मंजिल पानी है मुझे कठिन रास्तों में चल के, रास्तों के कांटों की मुझे परवाह नहीं। दिन में भी अब मुझको चैन नहीं और रात में भी मुझको अब आराम नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं एक ऐसे संघर्ष की कहानी आपके बीच में लेकर आया हूँ, एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो कि आज हिंदुस्तानियों की जुबान पर सर चढ़ कर बोलता है। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं बात करने के लिए आया हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ इंडिया, मिस्टर अरिजीत सिंह। एक ऐसे सिंगर हैं जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सिंगिंग की वजह से फेमस है। यदि उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने सिर्फ हिंदी में गाने नहीं गाए, साथ में साथ असामी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु के अंदर भी वो सॉन्ग्स गा चुके हैं, लगभग 7 भाषाओं के अंदर और उन्होंने गाना गाया हुआ है। बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी, जिनके संघर्षों की यदि मैं बात करूं, 2005 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, फेम गुरुकुल में वो आए थे जिसमें वो टॉप 6 से बाहर हो गए थे, उतना लोकप्रिय नहीं बन पाए थे। 10 के 10 ले गए दिल पे जब उन्होंने काम किया तो उनके साथ जो कॉम्पिटिटर थे वो बड़े ही सक्षम कॉम्पिटिटर थे, इंडियन आइडल के विजेताओं जैसे लोगों से उनका मुकाबला था, लेकिन उस शो को जीत लिया और उसके बाद वो स्टार बन गए और इसके बाद शंकर महादेवन ने उनका सपोर्ट किया। पहली बार उनको रिजेक्शन मिला, फेलियर मिला, वो पास नहीं हो पाए, लेकिन जब दूसरी बार आए तब उनका मुकाबला इंडियन आइडल के विजेताओं से था, कई ऐसे सिंगर से था जो टॉप क्लास थे और वहां पे वो सफल हो गए। हालांकि उसके बाद उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, लेकिन शंकर महादेवन जी का उनको पूरा साथ मिला, कई लोगों का साथ मिला और जब उनको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए धीरे 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 उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन असली पहचान उनको मिली 2013 में आशिकी 2 के सॉन्ग तुम ही हो से। उससे वो प्रसिद्ध हो गए और आज लगभग हर बड़े स्टार की मूवी में वो सिंगिंग कर चुके हैं और उनकी सिंगिंग के दीवाने दुनिया भर में हैं। सो माय डियर फ्रेंड, उनकी जिंदगी से सीखते हैं बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत जारी रखें, रातों रात सफलता नहीं मिलती, जो मेहनत आज आप कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट सूद समेत मिलेगा। 2005 से 13 के बीच में अरिजीत सिंह स्ट्रगल करते रहे, 2013 में रातों रात स्टार बन गए, भले ही वो रात छोटी नहीं थी, 8 वर्षों की थी, लेकिन जब देने वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, इसलिए हार्ड वर्क पर विश्वास करिए। नेक्स्ट लर्निंग, बी योर सेल्फ, डोंट कंप्रोमाइज। यस, शंकर महादेवन जी ने उनको कई बार बोला कि उनके गाए हुए सॉन्ग को रीमेक करें, उसको फिर से गाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस बनना चाहता हूं। एक चीज सीख सकते हैं, बी ओरिजिनल बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ अरिजीत सिंह से। नेक्स्ट लर्निंग, बी सिंपल एंड यूनिक। अरिजीत सिंह बहुत सिंपलिसिटी के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं, बड़े यूनिक अंदाज में गाते हैं। यूनिकनेस जिंदगी में होना ज़रूरी है यदि पहचान चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग, उन्होंने एक बार कहा था आई हेट बींग सेलिब्रिटी, उनको सेलिब्रिटी की तरह रहना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा म्यूजिक से मुझे प्यार था इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया, सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं। नेक्स्ट लर्निंग, लव योर प्रोफेशन। यस, अरिजीत सिंह कहते हैं कि मैं अपनी सिंगिंग को प्यार करता हूं, अपने कला को प्यार करता हूं, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं मेरे जीवन के अंदर, और फेमस तो मैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहता था, वो तो मेरी कला ने फेमस कर दिया। उनका प्यार संगीत के प्रति उनके गाने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लर्निंग, पैशन एट योर वर्क। अब वो जिस भी काम को करते हैं पूरे जुनून के साथ करते हैं, जब लाइफ में कुछ बड़ा पाना हो तो जुनून तो दिल में जगाना ही पड़ता है। नेक्स्ट लर्निंग, पोलाइट टू फॉल्ट। यदि किसी से गलती हो जाए तो उस गलती के लिए उसको बहुत ज़्यादा कोसते नहीं हैं, चीज़ों को सिंपल तरीके से लेते हैं, बस काम जुनून के साथ करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग, ही नोज हाउ टू से नो ओपनली। उनको जो काम करना पसंद नहीं होता है उसको वो डायरेक्टली मना करना जानते हैं। जीवन की बहुत बड़ी सीख है ये, यदि हमको किसी भी चीज़ को मना करना है डायरेक्ट कह दीजिए, एक बार कह देंगे यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लर्निंग, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ बोथ हैंड्स। जब उनको काम मिलना शुरू हुआ, बहुत सारा अच्छा अच्छा काम मिला, और जैसे ही उनको काम मिला करते गए और आज देश में ना जाने कितने हिट सॉन्ग दे डाले अरिजीत सिंह जी ने। नेक्स्ट लर्निंग, नेवर गिव अप। अरिजीत सिंह से सीख सकते हैं, कभी हार मत मानिए, आज हार है तो कल जीत जरूर आएगी, बस लड़ते रहिए, यही जिंदगी में जीतने का मंत्र है। नेक्स्ट थिंग,
पर्सनल थिंग शुड बी पर्सनल. इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है. एक बार रिपोर्टर ने 2014 में उनके तलाक के बारे में पूछा तो उनकी उनसे बहस हो गई, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखिए, ये मेरा मानना है. हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, यह देख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें. सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट.